कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करा लेते हैं। तो कॉसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और उसका होल स्क्वायर है। यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो एलसीएम ले लेते हैं साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा सेम 1 माइनस कॉस थीटा, और उसका होल स्क्वायर है ही। नाउ इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और साइन थीटा को स्क्वायर अलग से दे देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नाउ देखो आंसर जो है हमारा कॉस थीटा की टर्म में है, तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं, और थोड़ा सा मैच भी हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए हमें होल स्क्वायर नहीं खोलना है, और नीचे वाले को जो है साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में या कॉस थीटा की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रखें, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। तो नाउ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सेम लिखेंगे, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग सकती है। तो ऊपर सेम रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, और ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा सिंगल है, तो इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हैंस प्रूफ्ड।